नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा। तो आज मेरे पास आ चुका है वेबले का रेंजर और एमएसजी का इलाइट मॉडल। तो दोस्तों, ये दोनों वेपन्स की काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था और इसका क्लोज रिव्यू करके आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह का वेपन है। The content in this video is strictly for educational and informational purposes and is not intended to be advice or recommendation of तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में इलाइट है, आप देख रहे हो 3-2 बोर में, और ये वेबले का रेंजर है। तो दोस्तों, इसकी बैरल की बात करें, ये जो बैरल की लेंथ है, एक सेकंड, ये जो बैरल की लेंथ है ये 4.25 इंच इसकी लेंथ है और इसकी भी सेम है। देखने में दोस्तों, ये दोनों वेपन एक दूसरे की तरह सेम टू सेम एक दूसरे की तरह ही लग रहे हैं। कोई भी इसमें मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें इन दोनों में डिफरेंस हैं। जो ये वेबले है रेंजर, इसका वेट 680 ग्राम्स है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, इनकी जो गाइड बुक है उनसे उसको देख के बता रहा हूँ। और ये जो इलाइट, इसका वेट है 620 ग्राम्स। और दोस्तों, ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है और ये ग्लोसी मैट सेराकोट फिनिश में है। और दोस्तों, जो इलाइट है, इलाइट के साथ कंपनी की तरफ से 10 गोली वाला मैगजीन दिया गया है, ये इलाइट के साथ आता है। और वेबले रेंजर के साथ 8 गोली वाले 2 मैगजीन आते हैं, इलाइट के साथ एक 8 गोली वाला। दोस्तों, ये 8 इसमें 8 कार्ट्रिज आते हैं। और एक इसके साथ जो एडवांटेज मुझे लगा है, ये दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा किसी भी कंपनी को प्रमोट करना और किसी को नीचा किसी के प्रोडक्ट को गलत दिखाना ये मोटिव नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इलाइट के साथ 10 गोली वाला मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक 8 वाला है। हम लोग जो भी वेपन लेता है दोस्तों, हम कारतूस भी देखते हैं कि वो कितने शॉट है। और 620 ग्राम इसका वेट है। लुक की बात करें, साइज की बात करें, तो दोनों का सेम साइज है। प्राइस की बात करें, तो जो वेबले है ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये ये इलाइट से महंगा है। इस टाइम दोस्तों, प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। आज 29 अगस्त इसका जो प्राइस है इलाइट से, वेबले रेंजर 20,000 रुपये मार्केट में महंगा है। और प्राइस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रिप की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो दोस्तों, दोनों में हाफ कॉक सेफ्टी है। ये हाफ कॉक है और ये वेबले में भी आपको आवाज आई होगी, ये हाफ कॉक सेफ्टी है। सेकंड सेफ्टी ये ग्रिप सेफ्टी है। थर्ड सेफ्टी ये सेफ्टी लॉक दिया गया है। और सेम लाइट में भी सेफ्टी लॉक दिया गया है, सेकंड सेफ्टी, थर्ड सेफ्टी, ये ग्रिप सेफ्टी है। जब तक आप पिस्टल की पूरी ग्रिप नहीं बनाओगे तब तक फायर नहीं होगा। तो बड़ा ही स्लीक मॉडल 32 बोर में निकाला है। प्राइस इसकी, ये दोनों मॉडल आने से दोस्तों, जितने भी ऑलरेडी 32 बोर के इंडियन ऑर्डिनेंस को छोड़ के जितने भी वेपन्स आ रहे थे, उन सबके प्राइस में, सबके प्राइस में कोई एक का वेपन छोड़ के विदाउट ऑर्डिनेंस के सबके प्राइस में गिरावट आई है। क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, ये ऐसे वेपन्स पहले इंपोर्टेड देखा हम लोग देखते थे, तो ये अभी इंडिया में, हालांकि ऐसी ही सेम शेप में शेक आर्म्स का भी न्यू रैप्टर आता है, वो भी शेप सेम है, लेकिन एमएसडी ने इस 32 बोर में मार्केट में ये पहला वेपन अपना एमएसडी ने 32 बोर में निकाला है। और आपको पता है, एमएसडी का आज तक कोई भी प्रोडक्ट आया वो शॉर्ट ही रहा मार्केट में। ये इनका रिकॉर्ड है कि आज तक एमएसडी का कोई भी वेपन मार्केट में आया वो शॉर्ट ही रहा, इतनी इसकी डिमांड रही है। वेबले भी अच्छा है, वेबले ने 32 बोर में अपना पिस्टल जो है ये दूसरा मॉडल निकाला है। इससे पहले डबल स्टैग मैगजीन में इनका मॉडल आता था फॉक्स, उसकी भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा मॉडल है वो भी, और ये 32 बोर में दूसरा निकाला। तो दोस्तों, ट्राई करते हैं हम ये एमएसडी की मैगजीन वेबले में लगा के देखते हैं। तो ये बिल्कुल वेबले के एमएसडी की मैगजीन, जो इलाइट की मैगजीन रेंजर में आ रही है, और ये 10 शॉट भी लगा के देखते हैं, ये भी पूरी फिट आ रही है।
और अभी दोस्तों हम वेबले की मैगजीन इलाइट में लगाते हैं, तो ये भी पूरी इसमें आ रही है। तो दोस्तों खूबसूरत वेपन बना है 32 बोर। अगर आप 32 बोर की सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये नए मॉडल्स हैं। आप इसको देखने के लिए, लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें, एक बार विजिट करें। थैंक यू।